हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। बिग बॉस सीजन 12 को लेकर आए दिन कोई ना कोई खबर सामने आती ही रहती है। शो में इस बार भी खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है। कभी कंटेस्टेंट्स के बीच झगड़ा देखने को मिलता है तो कभी प्यार। वहीं हाल ही में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करने वाले श्री संत हर किसी के दुश्मन बने बैठे हैं। हाल ही में उन्होंने दीपक ठाकुर को गरीब कहा था, जिस वजह से सलमान खान ने उन्हें वीकेंड के वार पर खरी खोटी सुनाई थी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें काफी बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी भुवनेश्वरी ने उनका सपोर्ट किया है। जी हाँ, हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट के जरिए श्री संत का सपोर्ट करते हुए कहा कि घर वालों ने श्री संत को इंटरनेशनल कौआ, घटिया, नीच, पागल, फर्जी, मेंटल, दिमाग में कीड़ा, मकार, गिरा हुआ इंसान जैसे तमाम शब्द बोले हैं। श्री संत के परिवार को भी निशाना बनाया जाता है। श्री संत ने जितना गलत किया है उससे कहीं ज्यादा गलत तो घर के दूसरे सदस्यों ने किया, वो तो प्लेट और ग्लास तोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, भुवनेश्वरी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने ये भी लिखा, श्री संत के साथ हुए इन सारी चीजों को शो में अब तक सीरियस नहीं लिया गया, लेकिन श्री संत ने जो कहा उसे सीरियसली लिया जाता है। हम खुद कई बार इन चीजों को इग्नोर करते हैं, लेकिन अब श्री के साथ साथ हमारा भी सब्र कम हो रहा है। घर वाले श्री संत को लगातार टारगेट कर रहे हैं। वहीं एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, मैं जब श्री को रोते हुए देखती हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है। बिग बॉस में जाने से पहले उसने बहुत ही बुरा दौर देखा है। अगर उसने गुस्से में कुछ कहा है तो मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। मैं हमेशा श्री को ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। तो सुना ना आपने भी, वेल अब देखना ये होगा कि आखिर श्री संत सलमान की फटकार के बाद भी ऐसे ही गेम खेलते हैं या फिर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।